जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के यूनिट 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जेंडर एंड डिसेबिलिटी। ये चैप्टर पहले स्टार्ट हो चुका है, जिसका पार्ट वन है। आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट वन देख लीजिएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं रिकैप करके कि पहले वाले पार्ट में हम क्या क्या पढ़े हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या टॉपिक रहेगा। दूसरा क्या डिस्कस किए थे कि डिसेबिलिटी का मतलब है क्या, जिसमें हम डिसेबिलिटी के थ्रू ये समझे थे कि डिसेबिलिटी आपके मानसिक क्षमता को भी रोकता है। जो आप कोई भी काम हम करने से पहले हमारे दिमाग में पहले आता है ना कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं, उसके बाद हम एक्शन करते हैं या फिर ये काम हम करेंगे उसके बाद स्टार्ट करते हैं, पहले ही तो नहीं स्टार्ट करते हैं। अगर हम अगर मान लीजिए हम पढ़ा ही रहे हैं तो कभी ना कभी तो सब वीडियो बनाने से पहले या फिर YouTube का चैनल खोलने से पहले मेरे दिमाग में पहले आया होगा कि हाँ ये चैनल के थ्रू हम किसी को पढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आता है। पर डिसेबिलिटी ऐसा चीज़ है जो आपके दिमाग में भी आने नहीं देता कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। आपके स्टेट ऑफ माइंड को इफेक्ट करता है, क्योंकि समाज ये धारणा बना रखी है कि एक डिजेबल पीपल वो ये काम नहीं कर सकते हैं। उनका एक दायरा है, एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते। पर अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दें तो जो नॉर्मल इंसान जो विथ लिम्स जो सारे पूरी तरह से कम्प्लीटली फिट है, फिजिकली फिट है, फिर भी वो काम वो नहीं कर पाते हैं, पर जो फिजिकली पूरी तरह से फिट नहीं है, जिनका पैर नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, स्टिल उन लोग भी वो जगह अचीव कर पाते हैं, उस जगह तक जा पाते हैं जहाँ तक एक नॉर्मल इंसान नहीं जा पाता है। कैसे, आगे हम आपको स्लाइड्स में दिखाएंगे। उसके बाद हम समझे थे कि एक डिजेबल पर्सन डिजेबिलिटी का क्या क्या कारण हो सकता है, कितने तरह का डिजेबिलिटी होता है, डिजेबिलिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, और राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्ट के बारे में पढ़े थे। ये सारा हमारा हो चुका था। कंडीशन समझ लिए थे कि डिसेबिलिटी वेमेन के कंडीशन को कितना वर्स कर देता है। ये तो पिक्चर देखिए, इस दो पिक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले दिमाग में अगर डिसेबिलिटी वर्ड सुन के दिमाग में आता है कि या तो वो किसी से हेल्प मांग रहा होगा, गरीब होगा, रोड पे सड़क के पास चल रहा होगा, रेंगते या फिर मंदिर के पास बैठा होगा, ये सब दिमाग में आता है। पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग को चेंज करिएगा, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं, डिजेबल पर्सन के जब हम बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बस यही इमेज नहीं आना चाहिए जो आपका पहला इमेज दिया है। दूसरा जो एक इमेज दिया है जिसमें एक आदमी है जिनका बाल बहुत बिखरा सा है और वो इनसेन टाइप लग रहे हैं, जो सर पे बहुत बार होता है ना, हम लोग देखते हैं कि जो पागल जैसे लगते हैं, एकदम से नॉर्मल नहीं लगते, कचरा सा कपड़ा पहने होते हैं, गंदा सा कचरा में से खा रहे होते हैं, मतलब वो बुद्धि दिमाग से वो पूरी तरह से जा चुके होते हैं, मतलब उनका बुद्धि उतना नहीं होता, दिमाग काम नहीं करता, एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होता, अच्छा बुरा वो नहीं समझ पाते हैं। देखिए ये तो हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग से प्यार करने वाले जो होते हैं, जो अनकंडीशनल लव करते हैं, वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। पर आफ्टर पेरेंट्स के बाद हम लोग को प्यार करने वाले कोई नहीं होते हैं, और जो भी आते हैं ना हमारे लाइफ में, ये हार्ड फैक्ट है, आप मानिए या ना मानिए, बहुत रेयर होता है, कुछ लोग होते हैं जो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बट स्टिल हमसे अनकंडीशनल लव करने वाले हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। बाकी जो भी आपका लाइफ पार्टनर आए, लवर हो, भाई हो, फ्रेंड्स हो, ईच एंड एवरी वन हो, हर कोई आपसे तभी प्यार करता है जब आपके तरफ से सेम ही लव उसको मिल पाता है या फिर कुछ मिलता है अच्छा, पॉजिटिविटी, अदरवाइज वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। जब उनको पता चल जाएगा इनसे कुछ भी नहीं मिलना है तो वो आपसे प्यार नहीं करेंगे। एक हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन अगर बोला जाए, म्यूचुअल रिलेशन है, वाइफ उनसे प्यार करती तब भी हस्बैंड प्यार करते हैं, अगर वाइफ उनसे प्यार नहीं करेगी तो हस्बैंड कितना देर करेंगे, या फिर हस्बैंड ही अगर प्यार नहीं करेंगे तो वाइफ अपनी तरफ से कितना एफर्ट लगाएंगी, एक टाइम आएगा जब वो गिव अप कर देंगी। तो ये दोनों तरफ से ही होता है। पर पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जब बहुत बार बच्चा होता है कि उनसे वो प्यार नहीं करता है, स्टिल माँ का लव वैसा ही रहता है। तो बात ये स्टोरी बोलने का पर्पस ये था कि जब किसी का बच्चा होता है और वो दिमाग रूप से उतना विकसित नहीं होता है तो मम्मी पापा तो उनको बहुत एज तक ले जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो उनका सब कुछ प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, उनको नहलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। पर जब उनके मम्मी पापा का डेथ हो जाता है तो बहुत बार होता है कि उनके जो भाई बंधु होते हैं वो नहीं रखते उनको घर से निकाल देते हैं, और घर से निकालने के बाद उनका फिर यही हालत होता है जो हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है सोशल एटीट्यूड, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, सोशल एटीट्यूड एंड स्टीरियोटाइप। समाज का क्या एटीट्यूड रहता है डिसेबल पीपल के लिए, और हम क्या एक प्री धारणा पहले हमारे मन में जो आता है कि डिसेबल हो गया है
कोई डिजेबल है, कोई बच्चा अगर है जिसका पैर हाथ ठीक कम्प्लीटली डेवलप नहीं किया हुआ है, या फिर किसी कारणवश एक्सीडेंट हो चुका है, तो उनसे उम्मीद करते हैं कि ये तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे देखेंगे कि ये स्टीरियोटाइप के कारण उनके उनको अपॉर्चुनिटी जो होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिल पाता है, पर अगर दिया जाए तो वो भी आगे जाएंगे। पहला आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले डिजेबल वर्ड के बारे में सुन के कि वो डरे हुए से होंगे, फियर होगा उनके मन में, सब ह्यूमन होंगे, कंप्लीट वुमेन की तरह नहीं होंगे, कंप्लीट ह्यूमन की तरह नहीं होंगे, और एक हेल्पलेस वाला फीलिंग आता है कि समाज के लिए वो बर्डन है, अपने फैमिली के लिए भी वो बर्डन की तरह है, मतलब सब अपने फैमिली को बस फैमिली से उनको लेना ही पड़ेगा, वो फैमिली को कुछ दे नहीं सकते, उनके लिए कोई हेल्प मतलब उनसे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है एक डिजेबल पर्सन से, बट ऐसा नहीं है। इवन रिलीजन भी है ना, हम लोग का कुछ बुक्स भी रिलीजियस बुक भी है ना, जो ना डिजेबल पीपल को बहुत ही नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया हुआ है। जैसे आपके एग्जांपल से समझिएगा कि जो माइथोलॉजी बुक है महाभारत, देखिए हम किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं सर, जो भी रामायण महाभारत है उसमें एक आपको ना जीने का तरीका सिखाते हैं कि एक अच्छा लाइफ कैसे जी सकते हैं, बहुत कुछ है, किसी कैरेक्टर के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। बोला जाता है ना कि राम और रावण बाहर नहीं है, या फिर कौरव और पांडव भी बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही राम रावण दोनों हैं, और दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा होता है जब हम डिसीजन लेते हैं तो, पर आपका सोच, आपका परवरिश, आपका सोशलाइजेशन कैसा हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने अपने अंदर के रावण को जीतने देते हैं या फिर राम को जीतने देते हैं। आपके पास रुपया रखा हुआ है और आपको बहुत पूरा मौका है कि आप वो पैसा लेके घर आ सकते हैं, और आपके दिमाग में दो बात आएगा, पैसा उठा लें कि ना उठाएं, गलत होगा या सही होगा, पर आपके अंदर का जो वैल्यूज़ होगा, जो बचपन से डेवलप किया गया है, जो आपके पेरेंट्स से आप सीखे हैं, जिस तरह का आपका सोशलाइजेशन हुआ है, वो बताएगा कि आपके अंदर का राम जीतेगा या रावण, क्या आप पैसा उठाएंगे या पैसा नहीं उठाएंगे, या फिर किसी का चोरी करेंगे या फिर चोरी नहीं करेंगे। तो ये सारा स्टोरीज़ हम लोग को जीने का तरीका दिखाता है। तो हम किसी भी रिलीजियस बुक को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ कुछ जो लगता है जो आपके बुक में दिया है वो हम बता रहे हैं, जिसमें जो हम लोग का महाभारत है, महाभारत में बोला जाता है जिसके कारण पूरा बड़ा वाला जो लड़ाई हुआ है, महाभारत का लड़ाई हुआ है, वो हुआ है शकुनी मामा के कारण। अब आप बोल सकते हैं कि जो मेन विलन है वो शकुनी है, पर डिटेल में जब आप महाभारत को इन डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किसको विलन बोला जाए और किसको हीरो, क्योंकि हर कोई जो कुछ भी किया है ना उसके पीछे उसके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। न्याय और अन्याय का स्टोरी है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, बट स्टिल इसमें जो बताते हैं जो मंथरा है, मंथरा और शकुनी का बात किया जाता है, शकुनी मामा का, तो शकुनी मामा जिनका आंख जो है एक आंख पूरी तरह से बंद ही रहता था, वो जो है एक विलेन की तरह दिखाया गया है, और बताया गया है कि जो गलत काम करते हैं उनके साथ बॉडी भी, मतलब उनका जो बॉडी होता है वो भी डिफॉर्म ही रहता है, कि भगवान भी उनको सजा के तौर पे देते हैं कि आपको ये सजा मिला है कि आपके बुरे कर्म का आपको फल मिला है। दूसरा आता है पिक्चर जो है जिसमें एक बूढ़ी अम्मा है जो झुकी हुई है पूरी तरह से। पहले बताया जाता था कि ना पहले राजा लोग जो होते थे अपनी जब बेटी का शादी करते थे, राजकुमारी का शादी करते थे, तो उनके साथ ससुराल में ना एक दासी दे दिया करते थे जो उनका हेल्प करेगी। वैसे ही रामायण में राजा दशरथ की तीन वाइफ में से जो केकई थी, रानी केकई या माता केकई कह सकते हैं, राम जी की स्टेप मदर थी, उनके साथ मंथरा आई थी एज अ दासी। तो वो उनको बार बार उनका कान भरती है और सिखाती है कि आपके जो उनका बेटा है भरत, उनको राजगद्दी नहीं मिलेगा, तो उससे बेटर है कि राम जी को आप वनवास भेज दीजिए। ये स्टोरी होप आप सबको पता होगा, ठीक, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे लिए तो सारे बच्चे सेम हैं, तो हम जब भी पढ़ाते हैं तो अज्यूम करके पढ़ाते हैं, उस बच्चे को भी ध्यान में रखते हैं जो बच्चा को अज्यूम करते कि जो बच्चा कुछ नहीं जानता है, इसीलिए कभी कभी बहुत डेप्थ में बताना पड़ता है, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके पढ़ाते हैं, जो कभी कभी बच्चा को लगता है मैम ये तो हम लोग को पता है फिर भी आप क्यों बता रही हैं, पर आपको पता है ना, सारे बच्चों को तो नहीं पता है, तो अज्यूम करते हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए स्टोरी बताया जा रहा है। अब स्टोरी पे आते हैं जिसमें वो आपको वो कान भरती हैं कि आप
कान भरना ही बोल सकते हैं कि उनको गलत तरीके से सिखाती हैं कि आप राम जी को वनवास भेज दीजिए, जिसके थ्रू आपके बेटे को राजगद्दी मिल जाएगा। तो इसमें जो राम जी को वनवास हुआ है 14 साल का, वो सारा क्रेडिट किन पे जाता है? केकई माता पे? नहीं, केकई पे नहीं जाता है, वो मंथरा पे जाता है, क्योंकि केकई माता का दिमाग को चेंज करने में बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है उनकी दासी, जिनका नाम है मंथरा। मंथरा जो थी ना, उनका जो बैक था वो हम्प था, मतलब वो ना सीधे चल नहीं सकती थी। इससे भी बताया गया है कि जो जो डिफॉर्म्ड होते हैं वो, उनको सजा मिला हुआ होता है भगवान की तरफ से उनके बुरे कर्म का। तो ये है दिखाना कि जो मतलब जो अच्छे हैं, जो अच्छे कैरेक्टर वाले हैं उनको फिजिकली भी अच्छा दिखाया गया है, और जो बुरे कैरेक्टर वाले हैं उनको फिजिकली भी बुरा ही दिखाया गया है, डिफॉर्म दिखाया गया है। ये बताना चाहता है कि रिलीजन भी कभी कभी नेगेटिव ट्रेड की तरह उनको पोर्ट्रे करते हैं। दूसरा हम सेकेंड लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं कि पॉलिटिकली भी इनको ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं कंसिडर किया गया है, जिसके कारण ना पार्लियामेंट में इस पर इनके प्रॉब्लम का मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था, या फिर इस पर डिस्कशन नहीं किया गया है कि इनके लिए भी कुछ प्रावधान बनाना चाहिए, क्या कुछ ऐसा रूल्स बनाइए जिसके थ्रू हर इंस्टीट्यूट में या फिर हर ऑफिस में कुछ सीट रिजर्व हो, या फिर उनके जाने के लिए, या हर एक बड़े बड़े मॉल में, या फिर किसी भी कोई भी अगर मॉन्यूमेंट्स बनता है तो उसके लिए एक डिजेबल पीपल के लिए भी जगह होना चाहिए, जैसे कि बस में हुआ होता है, ट्रेन वगैरह में होता है, तो उतना पहले नहीं था। ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो पहले नहीं था उतना, अब आने लगा है। पर ये पहला का बात किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे डेवलप किया गया, जो लोग जानने लगे, जागरूक हुए, तब उनके बारे में कोटा आया, रिजर्वेशन आया, पर स्टिल पहले नहीं था। पॉलिटिकली भी इनको इनसिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता था। इवन सोसाइटी तो उनको एजुकेशन देने के लिए भी डिनाई करती थी, सोचते थे कि पढ़ लिख के करेंगे ही क्या, क्या करेंगे आगे जाके, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। पर ये देखिए वो पढ़ लिख के क्या क्या किए हैं इस स्लाइड में। पहला पिक्चर आप देख रहे हैं जो साइंटिस्ट का पिक्चर है, और दूसरा है देखिए उनका पैर नहीं, हम बोले ना कि पैर नहीं होने के बाद भी वो रनर हो सकते हैं, हाँ है। जैवलिन थ्रो देखिए, उनका एक हाथ नहीं है स्टिल, अब कोई अब जब इनका जन्म हुआ होगा या फिर उनके साथ मान लीजिए कुछ मिसफॉर्चुनेट हो गया होगा, हम नहीं जानते इनके साथ क्या हुआ है रियल में, बट एक हाथ उनका नहीं है पूरी तरह से कम्प्लीटली। इन सेकंड वाले पिक्चर में देखिए जिनका पैर नहीं है, अब देख के लग सकता है कि ओलंपिक में जाएंगे, इनके दिमाग में कितना ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता होगा जो ऐसे की बात सोचते होंगे कि हम ओलंपिक में जाएंगे। हम लोग को नहीं आता, हम लोग नहीं सोच पाते, मतलब हम बता रहे एक नॉर्मल पर्सन जिनका हाथ पैर सब कुछ ठीक है, वो लोग जल्दी नहीं सोच पाते हैं कि नहीं मेरे को ओलंपिक में जाना है, पर ये लोग कितना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम होगा सोचिए। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि डिजेबल पीपल आगे कुछ नहीं कर सकते हैं? दूसरा पिक्चर देखिए, मिडिल वाला जो पिक्चर है, जो वुमेन है, जो मैडम है वो आपकी ईडा मैम है, जो IAS ऑफिसर है। ये भी इनका भी हाइट बहुत शॉर्ट है, और ये भी इनका भी बॉडी कुछ हद तक डिफॉर्म है। अब बताइए ये क्या नहीं बनी आगे, इनको क्या पढ़ाया, अगर इनको पढ़ाया नहीं जाता, एजुकेशन फ्री नहीं दिया, मतलब कम्प्लीटली इनको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होता, तो क्या आज हमको इतनी अच्छी IAS ऑफिसर मिल पाती? नहीं मिल पाती। छोटा सा जो बेबी है, जो एक बॉल लिया हुआ है, उस पिक्चर को देखिए, इस बेबी का ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर है, ठीक है, कोई लिम्स नहीं है। अब इस ये बच्चा जब जन्म लिया था तो इस बच्चे को देख के क्या उम्मीद किया जा सकता है, ये बच्चा क्या ही कर पाएगा? देखिए क्या करता है ये बच्चा। ये जो आप स्विम करता हुआ एक आदमी देख रहे हैं ना, ये डूब नहीं रहा है, ये स्विमर है, और ये बच्चा यही है। निक नाम है इनका, आप पिक्चर में आप सर्च कर सकते हैं, मैन विथ नो लिम्स, देखिएगा उसमें आ जाएगा, और बहुत ही मतलब ग्रेट पर्सनालिटी आपको दिखेगा, और आपको फील होगा ना कि जब ये कर सकते हैं ना तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बस ना मैटर ये नहीं करता आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आपका बॉडी डिसाइड नहीं करता है, आपका विल पावर डिसाइड करता है। तो हमारा जो लास्ट पिक्चर है, जिसमें एक साउथ इंडियन एक्टर हैं और एक सर हैं, ये वही है जो ये छोटा बच्चा है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और शायद स्विमर भी हैं और भी बहुत कुछ है, मतलब बहुत है, 3-4 चीज़ हम देखो पूरी तरह से याद नहीं, पर मतलब बोल सकते हैं ना कि एक नॉर्मल इंसान जितना फील्ड में अचीवमेंट नहीं लिया है ना, उससे ज़्यादा अचीवमेंट ये खुद लिए हुए हैं। इनका 3-4 बेबी भी है और अच्छा खासा इनका मैरिड लाइफ भी है। तो अब बताइए ये पिक्चर देख के आपका सोच बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, क्या डिजेबिलिटी का मतलब
ये होता है, ये दो पिक्चर होता है, या फिर डिसेबिलिटी का मतलब ये पिक्चर होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कैसे कैसे, इसमें देखिएगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे ईयर बाय ईयर चेंजेस आया है, लोग जैसे जैसे जागरूक हुए हैं इनको राइट्स दिया गया है। सबसे पहले 1981 के पहले तो कोई बात ही नहीं चलता था, 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजेबल पर्सन कहा जाता है, जिसमें इस मुद्दे पे डिस्कशन चला, मीटिंग में बात हुआ, सीट को रिजर्व किया गया कि कुछ सीट रिजर्व करना चाहिए कोटा की तरह, कि ऐसे आजकल है ना कोटा सिस्टम है ना, ओबीसी के लिए कोटा है, एससी के लिए कोटा है, एसटी के लिए कोटा है, कोटा इन द सेंस कुछ सीट रिजर्व है जो बस एससी को ही दिया जाएगा, एसटी को ही दिया जाएगा। अगर आपके दिमाग में आता है ना कि जनरल वाले लोग इतना अच्छा से पढ़ाई करते हैं, ओबीसी वाले, फिर ओबीसी को क्यों मिला जाता है अच्छा से, क्यों उनको सीट दे दिया जाता है, क्या उनको कोटा सिस्टम, क्यों कोटा सिस्टम हटा देना चाहिए, तो आप एक बार ना जाके हिस्ट्री पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कोटा सिस्टम क्यों ज़रूरी है। और वो जो हम एग्जांपल दिए थे ना कास्ट वाला, कि अभी भी हमारे मन में वो बैठा रहता है कि बड़े कास्ट और छोटे कास्ट वाला सिस्टम, कम चाह के भी पूरी तरह से ना वो चीज़ नहीं बदल सकते, थोड़ा समय लगेगा, हम एक्शन नहीं करते हैं पर हमारे मन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोने में थोड़ा ना थोड़ा आ जाता है, और अगर नहीं आता है तो मतलब आपका सोशलाइजेशन बहुत ऊँचे लेवल पर हुआ है। इसीलिए सीट का रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए पहले तो कास्ट सिस्टम के लिए था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान दिए हैं दलित लोग के लिए रिजर्वेशन का, कौन दिए हैं आप बताइएगा कमेंट में, दूसरे वीडियो में हम बता देंगे इसका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले 1981 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजेबल पर्सन कंसिडर किया, फिर 1995 में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया कि हर फील्ड में इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, फुल पार्टिसिपेशन एक्ट आया, फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में भी इनके राइट्स के बारे में बात किया गया 2006 में, उसके बाद 2007 में इंडिया भी इसको साइन कर लिए, इंडिया भी इनके साथ ज्वाइन कर लिए, उसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट आया 2016 में। आपसे पहले वाले वीडियो में पूछे थे ना बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है, कोई कमेंट ही नहीं करता, तो हम बताते हैं, बिल और एक्ट जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है ना कि ये मुद्दा होना चाहिए, तो वो बिल की तरह यूज़ होता है, पर जब बिल दोनों पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पास हो जाता है और प्रेसिडेंट अटेस्टेड कर देते हैं, प्रेसिडेंट अपना साइन कर देते हैं, तब वो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के बाद बहुत सारा था, जब अवेयर हुए लोग जानने लगे तो बहुत सारे जो एनजीओस थे, एनजीओस का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं होता है, पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो गवर्नमेंट से हटके भी लोगों को हेल्प करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे एनजीओ आए और बहुत सारे एनजीओ हेल्प करने लगे, जिसमें बोल सकते हैं एक काम को नाम तो याद नहीं आ रहा, राजस्थान में ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारा ऑपरेशन वगैरह होता है, बहुत कम दाम में ऑपरेशन होता है, जिसमें और भी बहुत सारे एनजीओ हैं जो फ्री लिम्स वगैरह हैं, फिर ब्रेसिस वगैरह हैं, और व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत लोग उसमें दान भी करते हैं फ्री में, और बहुत लोग उस दान के थ्रू, उस डोनेशन के थ्रू बहुत लोगों का वो हेल्प भी करते हैं गरीब लोगों का, तो बहुत सारे एनजीओ इसमें आ गए हैं। ये वापस वही वाला स्लाइड आ गया, हाँ सब कोई बात नहीं, याद है थर्ड पॉइंट पे हमारा सॉरी डिजेबिलिटी का जेंडर के साथ क्या रिलेशन है। देखिए डिजेबल वुमेन, पहला बात तो वुमेन जब जन्म लेती हैं तभी उनके सबके दिमाग में माथा सरदर्द पकड़ लेता है, और वो डिजेबल अगर हो गई तब तो बोलते हैं ना कि सरदर्द में किसी के सर पे लोहा मारना जैसा हाल हो जाएगा। पर यहाँ पे जो चीज़ हम लोग को सिचुएशन दिख रहा होता है ना, बस उतना ही तक नहीं रहता है, मतलब बोलने का ये मतलब है कि वुमेन, बस वुमेन का जन्म हुआ और वुमेन डिजेबल है तो उनको प्रॉब्लम का जो वहाँ पे बस एक जो पेरेंट्स फील करते हैं वो ही प्रॉब्लम नहीं रहता, प्रॉब्लम का दिन पर दिन जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे होते हैं, बड़ी होती है लाइफ में, उनका जो कंडीशन है वर्स होता चला जाता है। देखिएगा कैसे, बोला जाता है कि जो जब मतलब जो डिजेबिलिटी है अगर उनके जेंडर के साथ रिलेट हो जाए ना, तो ये डबल डिसएडवांटेज की तरह हो जाता है, एक तो वो वुमेन वो प्रॉब्लम है, उसके बाद वो डिजेबल, तो ये उसके उनके लिए ना डबल डिसएडवांटेज है। बोला जाता है कि वो कहीं, एक तो लड़की को ऐसे ही हम लोग कमज़ोर समझते हैं, ठीक है, दिमाग में आता है कि लड़की है क्या ही कर लेगी, लड़की कहाँ तक ही जाएगी,
आता है ना दिमाग में, लड़की के साथ तो अबला वर्ड लगा दिए हैं, पर नारी के साथ अबला के साथ लगाने से पहले ये भूल जाते हैं कि नारी के साथ शक्ति वर्ड भी है, पर स्टिल मानते हैं कि लड़की कमज़ोर है। और नहीं कोई मानती है, लड़की अपने आप को स्ट्रांग समझती हैं, तो समाज है ना बहुत बार ऐसा ऐसा गैंग रेप है जो डरा देता है, दहशत फैला देता है। मेरे को तो लगता है ना कभी ये जो रेप है ना बस सेक्सुअल प्लेजर के लिए ही नहीं होता, ये समाज में ना बहुत दहशत फैलाने के लिए भी होता है कि आप कुछ भी कर ले आप सेफ नहीं हैं। आपके साथ अगर वो जो निर्भया केस में भी यही बताया था, आप एक बार ना निर्भया केस में उनके जो रेप जो रेपिस्ट लोग थे, जो कल्प्रिट थे, उनके तरफ से जो एडवोकेट लड़ रहे थे, लॉयर थे, उन लॉयर का ना बयान सुनिएगा, कितने बुरे तरह से बताते हैं कि उनको बाहर, लड़की को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था, बाहर निकली है इसके लिए हुआ है। मतलब बता रहे हैं कि अगर लड़की बाहर निकलेगी तो उनके साथ ऐसा ही, मतलब उनको सजा दिए हैं कि ऐसे निकलेगी तो उनके साथ ऐसा ही होगा। यही सब केस है ना जो हमारे पेरेंट्स के मन में डर बैठा के रखते हैं, जिसके कारण मम्मी पापा हम लोग से डरते हैं बच्ची को बाहर निकालने में, रात में बाहर जाने के लिए क्यों डरते हैं। यही सब केस तो है जो दहशत फैलाता है। तो कहीं ना कहीं वो सब केस क्या कर रहा है, ये सब जो गैंग रेप वाला केस सुनने को मिलता है क्या कर रहा है, समाज में एक डर ही तो बैठा रहा है कि लड़की कुछ भी हो जाए सेफ नहीं है। और वही लड़की अगर डिजेबल है तब तो वो कर ही क्या सकती है, तब तो वो उनसे तो मतलब वो तो समझेंगे ना कि बिना पैर के हैं, कि जो चल भी नहीं सकती, जो कहीं जा भी नहीं सकती। इवन देखिए इसमें बात यही नहीं है कि बस विमेन पे ही कंसिडर किया जा रहा है, मैन भी बहुत बार सफ़र करते हैं। अगर कोई मैन अगर डिजेबल है तो उनको ठीक तरह से ना कंप्लीट इंसान नहीं समझा जाता, बोला जाता है कि मैन एज अ सेफ प्रोवाइडर की तरह है, सेफ्टी प्रोवाइडर की तरह है। पर वही मैन जब खुद वो आगे नहीं जा सकता या फिर कुछ काम नहीं कर सकता, उनका हाथ पैर ढंग से कंप्लीट नहीं है, तो बोलेंगे कि ये क्या ही तुम्हारा हेल्प करेगा, ये क्या ही तुम्हारा प्रोटेक्शन देगा। ऐसा तो नहीं है ना ज़रूरी कि प्रोटेक्शन करने का ठेका लड़के ही ले रखे हैं, पर नहीं, अगर कोई लड़के नहीं कर पाते हैं तो उनको भी कंप्लीट मैन की तरह नहीं कंसिडर किया जाता। तो ये डिजेबिलिटी का प्रॉब्लम मैन भी सफ़र करते हैं क्योंकि वो समाज के नॉर्म्स के हिसाब से वो खड़े नहीं उतर पाते हैं। 2011 का सेंसस बताता है कि 98% जो है ना वो इलिटरेट रह जाते हैं, 98% डिजेबल पर्सन को एजुकेशन मिलता ही नहीं है। सोचिए 2% लोगों को एजुकेशन मिला है तो ये सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये अगर 98% लोगों को भी एजुकेशन मिला होता तो क्या होता सिचुएशन, क्या नहीं बदलता, ऐसा सिचुएशन रहता नहीं, रहता बिल्कुल नहीं रहता। और 1% से भी कम लोगों को ना हेल्थ केयर मिलता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलता, मतलब ढंग से उनका सही इलाज भी नहीं होता। और बहुत बार होता है कि उनको ना एजुकेशन मिल पाता है, ना उनको बाहर जाने का मौका मिलता है कि उनको बाहर ले जाया जाए, इलाज कराया जाए। और मतलब जैसे हो सकता है कि कोई चल नहीं सकते, दूर जा नहीं सकते, पर उनको व्हीलचेयर दिया जाए तो वो अपना काम थोड़ा मोड़ा खुद कर सकते हैं, डिग्निटी से जी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, पर उनके पास व्हीलचेयर खरीदने का पैसा नहीं है। हाँ सच में नहीं, आपके दिमाग में होगा कि व्हीलचेयर खरीदने में मेबी उतना पैसा नहीं लगता होगा मैम, बट नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं ना कि जिनके पास ना इलाज का भी पैसा नहीं है। आप अपने शहर, अगर आप शहर में रहते हैं तो थोड़ा शहर के थ्रू, शहर से कभी दूर ना ग्रामीण क्षेत्र में जाइए और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, घूमना चाहिए इंसान को। जब आप घूमते हैं ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा होता है। जब आप एक जगह पर रहते हैं ना तो आप कुआं के मेंढक बन जाते हैं। तो आप घूमिए, बाहर जाइए, बाहर एक्सप्लोर कीजिए, देखिए समझ में आएगा ना कि हम जहाँ तक मेरा आँख जा रहा था वहीं तक दुनिया नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आगे भी है। दूसरा आता है सेकेंड लास्ट पॉइंट स्टैटिस्टिक के बारे में, कि वो एक आइसबर्ग की टिप की तरह है। जितना भी डाटा हम आपको बता रहे हैं ना, ये डाटा कंप्लीट डाटा नहीं है, ये ना ऐसा डाटा है ठीक उस तरह जो आप पिक्चर में देखिए कि जैसे जो आइसबर्ग होता है ना समुद्र में, जो पानी, जो समुद्र में जो बर्फ़ फ्लोट कर रहा होता है, जो टाइटेनिक जैसे डूबा था, उसका जो हम लोग को ऊपर का पार्ट दिख रहा होता है ना, वो बस उसका ना 1/4 पार्ट ही दिख रहा होता है, क्योंकि 3/4 पार्ट पानी के अंदर होता है, तो जो दिख रहा होता है वही हम लोग को इतना चट्टान सा बड़ा लगता है, पर वही वो पूरा कंप्लीट आइसबर्ग नहीं है, आधा से ज़्यादा आइसबर्ग तो पानी के अंदर है। वही ठीक इसी तरह इसी डाटा इस पिक्चर के थ्रू ही बता रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक भी हमारा वही है, जो डाटा हम लोग को दिया जा रहा है वो तो बस आइसबर्ग की टिप की तरह है, अभी बहुत सारा डाटा है जो कंसिडर ही नहीं किया गया है, जो लिया ही नहीं गया है, जो अभी भी समुद्र के अंदर है। और आता है कि अगर कोई वुमेन, एक वुमेन है
वो डिजेबल है और उसके बाद वो कास्ट से भी दलित है, तो उन पर किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आता है? ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करती हैं, एक तो जेंडर से मारी, क्लास से मारी, पैसा से मारी जिसको बोल सकते हैं, और दूसरा कास्ट से मारी गई। अब आता हमारा एक बार टाइम देख लेते हैं, हाँ है अभी थोड़ा सा ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन, हाँ हो जाएगा, मैरिज और फैमिली लाइफ, जिसमें बताते हैं कि डिजेबल पीपल का, डिजेबल पीपल जो होते हैं उनके मैरिज और फैमिली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, समाज पहले ही सोशल नॉर्म्स बना के रखी कि एक लड़के क्या होंगे, एक प्रोवाइडर की तरह होंगे जो बाहर जाएंगे, अर्न करेंगे, वाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। पहले से ही सिखाया जाता है ना कि बहन का रक्षा तुमको करना है रक्षाबंधन के थ्रू, बोले ना बहुत सारा सेरेमनी होता है, बहुत सारा रिलीजियस फेस्टिवल्स होता है जो कहीं ना कहीं सिखाती चली जाती है कि लड़के सुपीरियर है, लड़के प्रोवाइडर है, लड़के है लड़की का रक्षा करेंगे और लड़की जो है रक्षा मांगेगी। मतलब वो कहीं ना कहीं उनको हेल्प का ज़रूरत है और हेल्प करने वाले कौन है, मेल मेंबर है, तो समाज में बना के रख देती है। तो लड़कों पे भी कभी कभी एक बार ना बर्डन की तरह आ जाता है कि मेरे को वैसे ही रहना है, पर अगर कोई डिजेबल है तो वो समाज के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर पाते। अगर किसी विमेन से अपेक्षा करते हैं कि विमेन घर का सारा काम करेगी, जैसा कि अब किया जाता है कि घर का सारा काम करना, बच्चे को संभालना, बच्चे को सब पूरी तरह से कम्प्लीटली देखभाल करना, सब कुछ करना, पर कोई विमेन है जो वो फिज़िकली उतनी कैपेबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकती है, तो वो तो समाज के नॉर्म्स को फुलफ़िल नहीं कर पाएगी, तो क्या उनका मैरिज लाइफ उतना ब्यूटीफुल होगा जैसा वो पहले हुआ करता था, या फिर एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल वाइफ का जैसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर बहुत समझदार हस्बैंड है तो वेल एंड गुड, और नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स उनको सिर्फ सफ़र करना पड़ता है। कई कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि किसी वाइफ का एक्सीडेंट होने के बाद हस्बैंड ने दूसरे शादी कर लेते हैं। ऐसा बहुत केस है, बोलते हैं कि क्योंकि ये तो मेरे को कुछ कर ही नहीं सकती, खिला ही नहीं सकती, पिला ही नहीं सकती। पर बात यही है ना कि शादी का मतलब बस यही नहीं है कि आप बस उससे हेल्प ले रहे हैं, मतलब आप बस है ना टेकर बन जा रहे हैं, गिवर भी होना चाहिए इंसान को, एक कंपेनियनशिप है कि आपस में आप उसके बुरे समय में आप भी उनका साथ दीजिए और आपके बुरे समय वो आपका साथ देती है, ये होता है मैरिज। पर नहीं, यहाँ तो बोलते हैं ना बिजनेस का डील की तरह हो जाता है। नॉट फिट फॉर फिजिकल अपीयरेंस एज स्टीरियोटाइप, जैसे बहुत बार होता है ना कि अगर कोई डिजेबल है तो फिजिकली उतनी अच्छी नहीं लगेंगी, या फिर फिजिकली समाज के हिसाब से जो है कि बोलते हैं ना लड़के तो चल जाते हैं, लड़के लड़के तो कैसे भी हैं, लड़का अर्न कर रहा है तो बस और कोई दिक्कत नहीं, और लड़की अर्न नहीं करी पर लड़की अगर सुंदर है तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब लड़की पे प्रेशर है सुंदर होने का, लड़का पे प्रेशर है अर्न करने का। एक तो भी है ना सरकारी जॉब का लड़कों पे भी बहुत प्रेशर है कि अगर नौकरी नहीं रहा तो ठीक ठाक लड़की नहीं मिलेगी, लड़की को है कि हम अगर अच्छे नहीं दिखें तो मेरे को लड़का नहीं मिलेगा, तो दोनों पे समाज प्रेशर बना के रखिए। देखिए लड़कों के लिए तो चलो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर ले तो मिल भी जाए नौकरी, पर हाँ सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है, पर कोई लड़की अगर उतनी जैसा भगवान बनाए वैसे ही रहेगी ना, उनके हाथ में तो है नहीं। इसका फ़ायदा ना ये भी बहुत उठाते हैं, मतलब मीडिया वाले भी बहुत उठाते हैं, मतलब और कैपिटलिस्ट भी बहुत उठाते हैं, बहुत सारा जो क्रीम वगैरह आता है मेकअप का, क्या क्या पता नहीं आता है, कंसीलर है और प्राइमर है और बहुत कुछ आता है, मेरे को नहीं पता, बट आप समझिएगा कि मेकअप का मतलब क्या होता है। ये टॉपिक के थोड़ा अलग है पर समझ लीजिए, काम आएगा आपकी लाइफ में, और भी टॉपिक में आप लिख भी सकते हो, समझने वाला बात है कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है ये, कि मेकअप का मतलब क्या होता है, जो बिगड़ा हुआ चीज़ उसको सुधारना। तो आपका फेस अगर आपके फेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्यों मेकअप करना? बहुत हम लोगों को देखे गोरी चिट्टी लड़की है, अच्छी खासी, उसके फेस पे कोई दाग ही नहीं है, फिर भी प्राइमर लगाई हुई है, फिर भी मुंह में पूरा कंसीलर से भरी हुई है, मतलब उसका नेचुरल ब्यूटी ही इतना सुंदर है। अगर आपका नोज़ ऑलरेडी स्टीफ है, स्ट्रेट है, तो आपको फिर और स्ट्रेट करने का क्या ज़रूरत? नहीं ज़रूरत है ना। आपका लिप्स अगर पिंक सा हल्का है तो आपको उतना ज़्यादा लिप टोनर, लिप में क्या टिंट वगैरह लगाने का क्या ज़रूरत? नहीं है। जहाँ आपका प्रॉब्लम है, हाँ फेस पे एक्ने है तो उसका डार्क, थोड़ा दाग वगैरह है, स्कार्स है, तो उसको हाइड करने के लिए आप क्रीम लगा लीजिए, पर कोई दिक्कत नहीं है तो क्यों लगाना? मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन को और वेस्ट कर रहे हैं और बस कमा कौन रहा है? बस कैपिटलिस्ट लोग, बिजनेसमैन बस कमा रहे हैं। पहले आपको फेस वॉश देते हैं जिससे आप, जिसके कारण आपका फेस का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर बोलते हैं मॉइस्चराइज़र लगाइए, फिर उसके बाद जब फिर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जब चेहरा ज़्यादा हो ज़्यादा
ऑयली हो जाता है तो फिर आपको उसके लिए पाउडर दे देते हैं, वो कहीं ना कहीं बस आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। तो दिमाग खोलिए और थोड़े मेकअप की दुनिया से रियलिटी वाली दुनिया में बाहर निकलिए। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे कि समाज का जो सोच है कि सोशल नॉर्म्स जो है लड़कों को एक तरह से जीने का ढंग और लड़की को एक तरह से रहने का, कि लड़की को इस तरह से दिखना है, लड़की को इस तरह से दिखना है। बहुत बार हो सकता है कि लड़के को बोला जाता है कभी दो हस्बैंड वाइफ है, अगर सामान में बहुत सारा लगेज है तो ज़्यादा किससे एक्सपेक्ट किया जाएगा, लगेज कौन उठाएगा? ऑब्वियसली पति उठाएंगे, पर पति संभव कुछ किसी कारणवश उनका पैर नहीं है या फिर हाथ नहीं है तो नहीं ही उठा सकते हैं, तो लगेज कौन उठेगा? इसको उनको उठाना चाहिए, उनकी वाइफ उठा सकती है, पर बोलेंगे कि अरे इसका तो हाथ पैर ही नहीं है, इसका तो हाथ पैर ढंग से स्ट्रांग नहीं है, तो क्या ही हेल्प करेगा। तो आ गया ना सोशल नॉर्म्स का प्रॉब्लम उनके लाइफ में भी आ गया, मैरिज लाइफ में वो भी कंप्लीट मैन की तरह कंसिडर नहीं किए जाएंगे समाज के द्वारा। बहुत बार होता है ना कि जो कोई डिजेबल पर्सन होते हैं, अगर लड़की हो, ज़्यादातर लड़की होती है, तो उनको ना छुपा के रख देते हैं, इसलिए कि अगर उनके कारण सब पता चलेगा तो उनकी दूसरी बेटियों का या फिर दूसरे बच्चों का शादी नहीं होगा। उनको छुपा के रख देते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं, बाहर निकलने नहीं देते हैं, बाहर निकलने का मौका नहीं देते हैं, कि हाँ बोलते हैं पढ़ लिख के ये क्या ही करेगी, पर आप स्लाइड में देख चुके हैं कि पढ़ लिख के वो क्या क्या कर सकती है। बहुत बार होता है कि उनको शादी भी नहीं कराया जाता है, कि शादी करके भी हो सकता है इनके साथ प्रॉब्लम हो, ये शादी करके ये क्या ही किसी का हेल्प कर पाएगी। शादी के बाद तो हम लोग बोलते हैं ना लड़की जाएगी दूसरे के घर, तो लड़की को तो दूसरे के घर जाके काम करना है, वो तो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो फिर शादी वो क्यों ही करेगी, क्योंकि शादी का मतलब तो दूसरे के घर जाके काम करना है ना, कंपेनियनशिप तो आता नहीं है मैरिज में। यहाँ पे तो मतलब आपस में जो म्यूचुअल बॉन्डिंग होता है ना, जो मन का जो बॉन्डिंग है वो नहीं है यहाँ पे, है कि हम आपको, लड़का बोलेगा कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, लड़की बोलेगी कि हम आपको घर का काम में सपोर्ट देंगे। यही आता है जिसके कारण क्या होता है कि उनका शादी भी बहुत बार नहीं होता है, इसलिए क्योंकि वो घर का काम नहीं कर पाएंगी। और बहुत बार होता है कि जो उनका शादी करवाया भी जाता है तो अब उनसे एज से बहुत बड़े एज से, मतलब बेमेल विवाह जो बोलते हैं ना कि 20 साल की लड़की 40 साल का लड़का, ऐसी लड़की से शादी, ऐसे लोगों से शादी करवा देते हैं ये मान के कि नर्चर करने में और केयरिंग में वो इनकम्प्लीट है, बुरी तरह से वो बच्चे को संभाल नहीं सकती या फिर केयर नहीं कर सकती, जिसके कारण उनको एक कम्प्लीट वुमेन की तरह भी कंसिडर नहीं किया जाता है। ये टॉपिक को यहीं कम्प्लीट करते हैं, उसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक आता है 5 से, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक यू।